वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टैंडर्ड 7th। कैसे हो बच्चों? चलो आज हम लेशन करेंगे सदाचार, यानी कि षष्ठ पाठ है सदाचार। नेक्स्ट यानी कि लास्ट पीरियड में हमने देखा था कि पंचम पाठ है रमाबाई, पंडिता रमाबाई का अभ्यास भी हमने कर लिया था। मैंने आप लोगों को होमवर्क में पंडिता रमाबाई यानी कि पंचम पाठ का अभ्यास एक्सरसाइज जो है वो होमवर्क में दी थी। आशा करती हूँ कि आप सब लोगों ने CW यानी कि अपनी संस्कृत की जो बुक हो CW है उनमें लिख दिया होगा। लिख दिया है ना? तो चलो आज हम पाठ स्टार्ट करते हैं 6 यानी षष्ठ पाठ सदाचार। सदाचार का मतलब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सदाचार यानी क्या। तो इसको हम शब्द को अलग करेंगे तो सदा प्लस आचार यानी कि आचार यानी व्यवहार, हमेशा हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। सदा यानी हमेशा, आचार यानी कि व्यवहार, हमारा व्यवहार हमेशा के लिए कैसा होना चाहिए, हमारा व्यवहार सबसे उत्तम श्रेष्ठ होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे नीचे सुभाषित दी गई है। सुभाषित का एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण गुण है कि वो छोटे छोटे शब्दों में छोटे छोटे वाक्य से बड़े उपदेश को हमको आराम से और सरलता से समझा देते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं सदाचार के पहले वाले पहला सुभाषित का। इस सुभाषित को हम समझ रहे तो क्या है, तो फर्स्ट है आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः, शद्युदशमो बंधुः कृत्वा यम नावशिद्यति। यानी कि आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः, उद्यम समो बंधु नास्ति यम कृत्वा नावशिद्यति। यानी कि आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अब इसको हम समझे तो आलस्यम यानी कि आलस, ही यानी निश्चय रूप से, मनुष्याणाम यानी मनुष्य का, शरीरस्थो यानी कि शरीर में जो स्थित है वो, महान यानी सबसे बड़ा, रिपु यानी शत्रु, नाशद्यो उद्यम शमो यानी नहीं, ना और प्लस उद्यम, उसको हम अलग कर देंगे तो होगा नहीं उद्यम यानी कि परिश्रम, परिश्रम जैसा बंधु यानी कि मित्र, बंधु यानी मित्र, नास्ति यानी कि नहीं है, कृत्वा यानी करके मनुष्य, कृत्वा यम यानी कि जो, नावसि दति यानी कि दुखी नहीं होना, न प्लस अवसिद्धति। तो आलस्य ही मनुष्याणाम यानी निश्चित रूप से आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित है वो शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु है, और परिश्रम जैसा मनुष्य का दूसरा कोई मित्र नहीं है, जिसे यानी कि परिश्रम को मनुष्य परिश्रम करके कभी दुखी नहीं होता है। अब ये जो पहला है सुभाषित, यहाँ पे हमें परिश्रम की बात की है कि आलस क्या है। तो आलस है वो मनुष्य के शरीर में रहा हुआ सबसे बड़ा महान शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु। अगर मनुष्य का कोई सबसे बड़ा शत्रु हो तो वो है आलस्य, क्योंकि आलस से वो सब कुछ गवा देता है। तो ऐसे ही अगर मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र हो तो वो है उद्यम यानी कि परिश्रम, परिश्रम से मनुष्य कुछ भी प्राप्त कर सकता है। इस तरह परिश्रम करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने परिश्रम की बात समझी, परिश्रम का महत्व भी समझा। ऐसा ही परिश्रम का महत्व दर्शाते हुए दूसरे कई कितने सारे ऐसे सुभाषित हमें संस्कृत में देखने मिलते हैं। ऐसे ही आप लोगों ने सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज़्यादा सुने हुए ऐसे सुभाषित परिश्रम वाले सुने ही होंगे, जैसे कि हमने सबने सुना ही होगा ये सुभाषित, उद्यमेनि ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे,
नहि सुप्त से सिंह से प्रवेशन्ति मुखे मुर्गाः, यानी कि उद्यम से ही सारे कार्य सिद्ध हो सकते हैं। मनोरथ यानी कि सारी इच्छा करने से या तो ऐसे विचार करने से, स्वप्न देखने से कोई कार्य सिद्ध होता नहीं है। सिंह वो जंगल का राजा होते हुए भी उसके मुख में, उसके जो मुंह में ऐसे ही मुर्ग आकर प्रवेश नहीं करते हैं। उसको भी शिकार करने के लिए पूरे जंगल में घूमना पड़ता है। वो भले ही जंगल का राजा है, फिर भी उसको पूरे जंगल में शिकार के लिए घूमना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। यानी कि नहीं सुप्त से, यानी कि सोया हुआ जो सिंह है उसके मुख में भी मुर्ग है, पशु है, वो नहीं प्रवेश करते हैं। उसके लिए उसको भी परिश्रम करना पड़ता है। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे संस्कृत में परिश्रम के बारे में, परिश्रम के महत्व को दर्शाते हुए बहुत सारे ऐसे सुभाषित है। तो दूसरा सुभाषित है, स्वः कार्यमद्यं कुर्वीत पूर्वादे च पराधिकं नहि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतम्। यहाँ पे क्या कहा है, तो यहाँ पे हमें कौन से कार्य को जल्दी से, यानी कि हर एक कार्य को हमें तुरंत ही पूरा कर लेना चाहिए, उसको बाद में करने पर नहीं छोड़ना चाहिए, यानी कि कल पर हमें नहीं छोड़ना चाहिए, इसकी बात यहाँ पे बताई है। स्वह यानी कि आने वाला दिन, यानी कि टुमोरो। कार्य यानी कि कार्यम यानी कि कार्य, जो हम काम करते हैं वो। अद्य यानी कि आज। कुर्वीत यानी कि करना चाहिए। पूर्वाद्य यानी कि दोपहर से पहले। च अपराहिकम, च प्लस अपराहिकम यानी कि दोपहर के बाद, अपराहिकम यानी दोपहर के बाद करने जो कार्य करने वाले हैं वो, उसको हम कब कर लेना चाहिए, हमें पूर्वाद्य यानी कि दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु हो, यानी कि हमें हमारी जो मृत्यु होती है वो नहीं, यानी कि नहीं प्रतीक्षते यानी कि प्रतीक्षा नहीं करती है, हमारा वेट नहीं करती है, हमारा इंतज़ार नहीं करती है। कृतम मश्य न वा कृतम, फिर वो कार्य हमारे से हो भी सके और ना वा कृतम यानी कि नहीं भी हो सकता है, वो हमारा कार्य वो अधूरा ही रह जाए। इसीलिए यहाँ पे कहा है कि स्वह कार्य मध्यम, यानी कि आने वाले दिन पर, जो कल हम काम करने वाले है, स्वह यानी कि आने वाले दिन, कल जो काम करने वाले है उसको हमें आज ही कर लेना चाहिए। अद्य कुर्वित यानी आज ही कर देना चाहिए। पूर्वादि यानी दोपहर से पहले, और चपराधिकम यानी कि च प्लस अपराहिकम यानी दोपहर के बाद जो हमने काम सोच कर रखा है कि ये काम है मैं दोपहर के बाद करूँगी, यानी शाम को करूँगा, तो उस कार्य को हमें दोपहर से पहले यानी कि सुबह को कर लेना चाहिए। हम क्योंकि हमारी मृत्यु है वो कभी प्रतीक्षा नहीं करती है, वो कभी भी आ सकती है, तो इस तरह वो कार्य हमारा अधूरा भी रह जाए, फिर वो कार्य हम कर भी ना सके। इसलिए यहाँ पे कहा है कि जो कार्य हम बाद में करने वाले हैं, कल पे छोड़ने वाले हैं या तो दोपहर के बाद छोड़ने वाले, उसको उसी टाइम पर कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये कार्य है वो मैं कल कर दूँगा, शाम को कर दूँगा, दोपहर को कर दूँगा, ऐसा ना सोच करके हमें वही कार्य वही उसी टाइम पर ख़त्म कर लेना चाहिए, पूर्ण कर देना चाहिए। तो यहाँ पे ये सुभाषित है, हमें उसी समय पर वही कार्य हमें पूर्ण करने का उद्देश्य देता है, उपदेश देता है। हिंदी में भी एक कहावत है कि कल करे शो आज कर, आज करे शो अब, पल में प्रलय हो जाएगा फिर करेगा कब। तो इसी पंक्ति को दर्शाते हुए, इसी कहावत को दर्शाते हुए यहाँ पे एक सुभाषित हमें संस्कृत में बहुत अच्छे से दिया है। इसको इसका अभ्यास हमने बहुत अच्छे से समझा, इसका भावार्थ। चलो आगे हम बढ़ रहे हैं तीसरे पर। तीसरे सुभाषित में क्या है, तो तीसरे सुभाषित है सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, न बुर्यात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतम बुर्यात एष धर्म सनातन। क्या कहा है यहाँ पे, सत्य का महत्व दर्शाया है कि सत्य का क्या महत्व है। कहते हैं कि सत्यम बुर्यात यानी सत्य ही बोलना चाहिए,
प्रियम बोल बुरियात, प्रियम यानी कि जो दूसरों को प्रिय लगता है, अच्छा लगता है सुनने में, तो वैसा बोलना चाहिए, जो दूसरों को पसंद आए वैसा। न बुरियात सत्यम अप्रियम, यानी क्या कहा है कि न बुरियात यानी नहीं बोलना चाहिए, न यानी नहीं, बुरियात यानी बोलना, क्या नहीं बोलना चाहिए, तो कि सत्य और अप्रिय, सत्य हो परंतु प्रिय हो। तो सत्य और अप्रिय यानी कि सत्य है फिर भी उसको अप्रिय लगता है, यानी कि उसको बुरा लगने वाला है, जो उसको पसंद नहीं आता है वैसा है, तो वो सत्य होने के बावजूद भी हमें उसके सामने नहीं बोलना चाहिए। जैसे कि अगर वो आलसी है, वो मनुष्य है, वो कुछ काम नहीं करता है, वो सत्य है, फिर भी उसको अगर हम उसके सामने ही बोलेंगे तू ऐसा है वैसा है, तू आलसी है, तू कुछ काम का नहीं है, तो उसको पसंद नहीं आएगा शायद, तो वो अप्रिय है उसके लिए, वो बात अप्रिय है, तो हमें वो वैसी बात हमें सत्य होने के बाद भी उसके सामने नहीं बोलनी चाहिए, उसको नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि उसको बुरा लग जाता है। प्रियम च नानृतम यानी प्रिय हो, और च यानी और, नानृतम यानी झूठ, नानृतम यानी झूठ, बुरियात यानी बोलना चाहिए, झूठ हो पर फिर भी वो प्रिय हो, यानी कि झूठ हो फिर भी वो पसंद आए हो, उसको अच्छा लगने वाला वाक्य हो, उसकी प्रसन्नता हो, प्रशंसा करने वाला वाक्य हो, तो वैसा वाक्य हमें बोल देना चाहिए। एषः धर्म सनातनः, यही हमारा धर्म है, हमारा धर्म यही है कि सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, सत्य हो पर अप्रिय हो, सत्य है उसके बारे में बात फिर भी उसको अच्छी नहीं लगती है, उसको बुरी लग जाती है, उसका उसको बुरा लग जाता है, उसका मन है वो टूट जाता है, तो वैसी बात हमें उसको नहीं बोलनी चाहिए। पर प्रिय हो और झूठी हो, यानी कि हम कई बार ऐसे करते हैं किसी को खुश करने के लिए हम उसके झूठी खुशामद कर देते, तो वैसा बोलना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो झूठ होने के बाद भी उसको अच्छा लगता है, उसको आगे प्रगति करने का हौसला बढ़ा देता है, तो वैसी बात बोलनी चाहिए। अगर वो हमेशा डरा रहता हो, कुछ भी कहीं पे भी आगे बढ़ नहीं सकता हो, या तो कहीं पे भी जाने के लिए तैयार नहीं होता है कोई आदमी या बच्चा हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको झूठ बोलेंगे, पर उसको अच्छा लगेगा वैसा बोलेंगे कि नहीं तू तो बहुत बहादुर है, निडर है, तू तो इतना सारा अच्छा बोल सकता है, तेरे पास तो ये है, तेरा आवाज़ इतना अच्छा है, तू सुंदर गा सकता है, तेरा आवाज़ सुनकर सब खुश हो जाते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, तो ऐसी जो प्रिय वचन है पर झूठ है, हमें पता है वो कभी नहीं गाता है सुंदर अच्छा, वो कभी सबके सामने नहीं बोलेगा, फिर भी हम प्रशंसा करेंगे, उसको प्रिय वचन बोलेंगे, क्यों, क्योंकि उसका हौसला बढ़ जाए, वो आगे बढ़े, प्रगति की ओर जाए। अगर हम उसको अप्रिय हो ऐसा सत्य बोल दे तो कि तू तो ऐसा है, तू कभी आगे ही नहीं बढ़ पाएगा, तो वो कभी सच में आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि उसका हौसला उसी टाइम पर टूट जाएगा। इसीलिए हमें प्रिय हो पर झूठ हो तो वैसा बोलना चाहिए, यही हमारा धर्म है। तो यहाँ पे हमें सत्य के महत्व को समझाते हुए हमें कैसा बोलना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए, किसके सामने बोलना चाहिए और कैसा कैसा बोलना चाहिए, उसके बारे में हमने यहाँ पे समझा। आगे के जो सुभाषित है वो हम नेक्स्ट पीरियड में समझेंगे। ये पीरियड में हमने ये तीन सुभाषित समझे हैं, तो ये तीनों के तीनों सुभाषित है उसके अनुवाद है वो आप लोग HW बुक में, CW में नहीं, HW बुक में अपने शब्दों में अपने तरीके से लिखोगे। आपको जैसा भी आप अपने शब्दों में लिख सकोगे वैसा ही लिखना है। तो आज का आपका ये होमवर्क है कि पहले तीन सुभाषित का अनुवाद संस्कृत में लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हिंदी लिखकर इसका अनुवाद लिखकर तीनों का मुझे आप फोटो भेज सकते हो। थैंक यू।